थैंक यू। तुम्हारे सामने देव है, जरा होशियारी से। फिक्र मत करो सीमी, अगर उसे अपनी ताकत पर भरोसा है तो मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। वैसे अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश पर दुआ से जरूर बहा लेना। ऐसी बातें नहीं करते। अपने आदमी को शिकस्त देकर कमाल कर दिया। ये कमाल का कमाल नहीं सीमी, ये सब ऊपर वाले की करम नवाजी है। कमाल, कमाल, क्या हो गया है तुम्हें? अबे लड़की को देख रहे हैं भाग। Thank you.
साला, मेरी माँ की सगी बहन। चाची, माँ, मेरी सगी माँ, मैं जीत गया हूँ। आज मैंने हांगकांग के इतने मोटे जूडो फाइटर को नॉकआउट कर दिया। ऐसी फ्लाइंग किक मारी कि वो रिंग से उनके ऑडियंस की गोद में जा बैठा सूट पंजा। अल्लाह तुझे फतह नसीब करे बेटा। मेरी खटारा मोटरसाइकिल फर्स्ट आई है चाची, देखिए मेरा कप। अल्लाह अल्लाह, मैं 100 गज की दौड़ में अमल आ गया। ये देखिए मेरा मेडल 2.5 रुपए का। अल्लाह तुम तीनों को खुशियाँ नसीब करे। अब दिन हमारे दिन बहुत जल्द फिर जाएंगे चाची। दौलत हमारे घर में लौड़ी बनकर दाखिल होगी माँ। मैं उससे शादी कर लूंगा और इस झोपड़ी को खेस तान के महल बना दूंगा। हमारी जेबें नोटों से भर जाएंगी माँ। हमारे दरवाजे पे अब 3 कारें खड़ी होंगी चाची। सबसे लंबी कार मेरी होगी। हमें दूध का पैसा मिलना चाहिए। हमें गोश्त की रकम चाहिए है। 3 शेर गोश्त और बन दे। अब तो 6 महीने हो गए उधार खाते हुए। ठीक है, यहाँ 6 महीने गुजरे हैं, 2-3 साल और इंतजार करो, दे देंगे। आज तक किसी का पैसा नहीं रखा। हम ले कर आएंगे। ठीक है, मैं जाकर देखता। मैं भी जाता हूँ माँ, ऐसा ना हो लड़ पड़े। आज सुबह से मेरा रिश्तेदार बहुत आदमी मार रहा है। भाइयों, हमें इतराफ है कि हमने आपके पैसे देने, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज हम तीनों भाइयों ने इतने बड़े बड़े कप जीते हैं। हम 10-15 दिन के अंदर आपके पैसे दे देंगे, और अगर 15 दिन के बाद नहीं मिले तो हम लोग यहाँ से दौड़ लगा जाएंगे। क्या बक रहे हो? जाओ जाओ, ये मारता बहुत है। चलो भी चलो, ये तो माल भी खाते हैं, रोब भी दिखाते हैं। आप दूध बेचते हैं जी, कभी खुद भी पी लिया कीजिए। आपको शर्म नहीं आती? एक तो उधार देते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। जाइए भेड़ बकरियों में खेलिए जाके। फिक्र ना कर माँ, 10-15 दिन तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। कहाँ से और किस तरह? क्या तुम्हारे एक कप और मेडल पेट का दोजक तो नहीं भर सकते? पेट का दोजक तो 3 टाइम आप ही भरती हैं खाला। हम तो फनकार हैं, हमसे काम आम नहीं होता। चुप रहो, मैंने तुम्हें किन मुसीबतों से पढ़ा है ताकि तुम अपनी तालीम से कुछ फायदा उठाओ, कुछ काम करो, कुछ कमाओ और इज्जत से जिंदगी बसर करो। माँ ठीक कहती है, कल से हम तीनों काम करेंगे। काम मकसूद करेगा, ये बड़ा मेहनती है। नहीं, तुम भी करोगे। जब देखो काम, जिधर देखो काम, जहाँ देखो काम। डैडी, आज संडे है, छुट्टी का दिन। आज तो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, चंद जरूरी दस्तखत करने थे। मैंने सोचा आज निपटा ली, अब तो खुश हो ना। मैं तो आपके फायदे के लिए कहती हूँ डैडी, आपका शुमार बड़े लोगों में होता है, फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। अच्छा बेटी, आइंदा हम तुम्हारी नसीहत पर अमल करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो क्यों? 6:30 बजे अंकल सेठ के यहाँ जाना है ना? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बैरा भाई, बैरा भाई, मेरा कोट और जूते ले दिया। अब तुम जा सकते हो। अरे साजिद बेटे, तुम भैया, तुम्हारा काम तो नहीं है। अंकल, मुझे आपके काम करने में बड़ी खुशी होती है। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे भाई, जी क्यों तकलीफ कर रहे? मैं खुद पहन लेता हूँ। बहुत ही फरमाबरदार बेटा है। अच्छा, अब तुम जाओ और आराम करो। अंकल, आराम कहाँ, मैं तो स्टडी कर रहा था। शाबाश शाबाश, जाओ जाकर स्टडी। शाबाश। डैडी, ये वही है जिन्हें आपने बेटा बना के पाला है? हाँ हाँ। इनकी आदतें देखी आपने? क्यों, क्या हुआ? कोट खुद पहना रही है, जूते आस्तीन से साफ कर रही है। साजिद के मिजाज पे इंतजारी है बेटे, वो बड़ा ही लायक है और हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है। पता नहीं कैसे फर्स्ट आ जाता है। हेलो रसिया डॉली, क्या हाल है? खुश तो हो ना? अच्छा बेटे, तुम अब उनसे बातें करो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सिमी, क्या बात है, मूड ऑफ क्यों तुम्हारा? तुम्हें पता है कि दुनिया का बहुत तरीन आदमी साजिद इस घर में रहता है। आज सुबह सुबह उसकी शक्ल देखी, जो उससे नफरत है। नफरत तो एक ना दिन खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि आखिर उसे अपना दामाद जो बनाना चाहते हैं। शायद मैं उसके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजर सकती। अच्छा इल्फाज वापस, हमें सब मालूम है साजिद से नफरत की वजह सिर्फ कमाल है। वो तो बॉक्सिंग में खिला है और ये हम उस पर मर जी। आप भी वक्त है उसे संभालो, वरना वो तो सिर्फ बॉक्सिंग पर उतर जाएगा। नहीं, वो इंसान है, इंसान रहेगा। हेलो,
सिर्फ एक कश लिया है और तुम सिगरेट के फिल्टर तक पहुंच गए। चुप रहो, इस वक्त मैं गहरी सोच के गहरे समंदर में गोते लगा रहा हूँ। गोते? गोते? सिगरेट समंदर में भीग जाएगी। हाँ, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें क्या काम करना चाहिए। मेरी बात तो अभी खत्म नहीं हुई। नौकरी करना गुलामी है यार, बुजुर्गों के सामने सिगरेट नहीं पीते। क्यों ना हम लोग कोई एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर दें। बगैर सिगरेट के, बगैर पैसे के बहुत बड़ा कारोबार कहाँ से शुरू कर दें? हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, क्यों ना हम तीनों यतीम बनकर भीख मांगना शुरू कर दें। यतीम तो हम हैं, लेकिन भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। ये अपना रिश्तेदार है, इसके हाथ पैर तोड़े देते हैं, एक लकड़ी का रेड़ा बनाते हैं, उसमें इसे फिट कराते हैं, इसके पट्टियां बांधते हैं, इसे शहर में घुमाते हैं, सुबह से शाम तक 25-50 रुपए ले ही आएगा। क्यों भाई, तू इस कुर्बानी के लिए तैयार है? यार, इसने आज तक किसी बात को मना किया है। ठीक है, तुम लोग मेरे हाथ पर क्यों दौड़ रहे हो? खामखा, मैं एक फर्स्ट क्लास मोटर मैकेनिक हूँ, क्यों ना अपना मोटर गैराज खोला जाए? तजवीज तो अच्छी है, लेकिन मोटर गैराज के लिए जगह और टूल्स? भाई, बहुत से ड्राइवर और मैकेनिक अपने यार हैं। नहीं, इसकी बड़ी अच्छी सोसाइटी रही, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और जगह का इंतजाम भी खुद कर लेगा। ठीक है, कारोबार सेट हो गया, अब तेरे हाथ पैर भी बच गए, अब तू कमाएगा और हम खाएंगे। हा? बस यही हम तुम पे एहसान कर सकते। क्या? चलो भाई, तोड़ो। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए, दौड़ का क्या हाल है? बस जी, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। वैसे कपड़े बहुत अच्छे पहनाए। हाँ, ये अमेरिका से गोली कब आई थी? गोली? वो अमेरिका से गोली आ रही है मिस्टर, मेरा पैकेज। जी हाँ, ये आपका पैकेज। ये मेरा पैकेज 300 रुपए? बाबू जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ। शायद आपकी पैकेज वो ले गई। वो ले गई? अब क्या होगा, वो तो कार में चली गई। मेरी बच्ची की बहुत हालत खराब है, अगर वक्त पर पहुंचे तो मेरी बच्ची मर जाएगी। आप फिक्र न करें, मारने जिलाने वाला तो वो है, बाकी पैकेट में लेके आता हूँ। बड़ी आपकी मेहरबानी होगी बाबूजी। द मैन फ्रॉम अंकल उर्फ हिटलर का चाचा जाद भाई। तुम गाड़ी की छत पे क्यों चढ़े? जी जरूरत इजाद की वालदा होती है, आप उस बूढ़े का पैकेट ले आई, मजबूरन मुझे आना पड़ा। तुम भाग कर गाड़ी की छत पे चढ़े थे? मैं भाग कर तो हवाई जहाज की छत पे चढ़ जाता हूँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम इतना तेज कैसे दौड़ते हो? स्पोर्ट्समैन, आपने शायद मेरा नाम नहीं सुना, मुझे कहते हैं सफीर दौड़। क्या दौड़? वेरी गुड, मैं स्पोर्ट्समैन की कदर करती हूँ। आइए गाड़ी में बैठिए। मुझसे तो आपने कह दिया है, किसी और से ना कहिएगा। आप बैठिए तो सही, मुझे भी तो अपना पैकेट वहाँ से लेना है। देखिए जी, आपकी गाड़ी की स्पीड है सिर्फ 60 मील, मेरी स्पीड है 200 मील। मैं टहलता हुआ जाता हूँ, एक सेकंड में आपका पैकेट ले आता हूँ। मेरा इंतजार कीजिएगा, पैकेट दे दीजिए, पैकेट दे दीजिए, उस बूढ़े का पैकेट लीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए अपना पैकेट। शुक्रिया बाबूजी, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब उसका पैकेट भी दे दीजिए, उसका भी अल्लाह भला करते। कुछ बेचारी बगैर लिपस्टिक पाउडर के बहुत परेशान थी। खुदा हाफिज़। आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। ये रहा आपका डिब्बा। ऑटोग्राफ ली? ये मेरा। अपने घर का पता भी इसमें लिख दिया। थैंक यू। आप कहाँ जाएंगे? जी बस ऐसे। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। नहीं जी, अभी तो पैदल ही ठीक है। अच्छा, आप खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसी शहर में रहती हूँ जी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो कितना अजीब और गरीब आदमी था। टॉल, हैंडसम, स्पोर्ट्समैन।
बिला वजह क्यों हंसती हो? बिला वजह कौन हंसता है? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि चोर पकड़ा गया। चोर? कौन चोर? वही चोर जो तुम्हारे दिल में छुप के बैठ गए। टॉल, हैंडसम, स्पोर्ट्समैन। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं स्पोर्ट्समैन की इज्जत तो कर सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं आ सकता। वेरी सॉरी खवातीन। ये तुम्हारे किधर से? जी दीवार बदलिए, हाई जंप। नॉनसेंस, ये घर है, सर्कस का रिंग नहीं। जी आप यकीन कीजिए मेरा सर्कस से कोई ताल्लुक नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। सड़क से गुजरा था, उधर से ट्रक आया, इधर से कार आई, अगर हाई जंप ना लगा तो दब के मर जाता। ओ मेरे खुदा, तुमने जान बचाने के लिए दोबारा अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। कॉन्फिडेंस की बातें खवातीन, वैसे मैं नदी नाले पहाड़ दरिया हर जगह मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। आप लोग जो मेरी वजह से नहीं करती, उनकी माफी चाहता हूँ। जी नहीं नहीं, आपका नाम क्या है? मकसूद। मैं जाऊँ? शुक्रिया। डॉली, ये तुम्हारा स्पोर्ट्समैन से भी ज्यादा जीब आदमी है। क्या हुआ? आ गया। कौन? तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी बजरिया है दीवार।
थोड़े दिन बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे 8-10 क्लब खरीद लूंगा। तुम तो हमको 3 साल से ऐसे ही बोलता है पार्टनर। अबे पागल, तेरा है दुष्ट आए। वो बुढ़ा जिसने मुझे पाला है वो समझता है मैं बहुत नेक हूँ। उसने कई बार कहा है कि सिमी की शादी साजिश से होगी। गौरव पार्टनर, यही कोई 6 महीने बाद इम्तहान हो चुके हैं, छुट्टियां होने वाली है, छुट्टियों के बाद रिजल्ट और रिजल्ट के बाद शादी, शादी के बाद सब कुछ। पढ़ी लिखी छोकरी है पार्टनर, वो तुमको शादी के बाद गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देगा। इसकी तरकीब भी मैंने सोच ली, ऐसी तरकीब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे शागिर्दों, अब मैं सबक शुरू कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनो, देखो और जहन में महसूस कर लो। शुरू कीजिए उस्ताद जी। ये भी है। अबे ये तो हमें भी बता, कोई नई बात बता भाई। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो बकवास बंद करो। वो भूखा आदमी है, उसकी बात का आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आपने जो फेंकना है वो फेंकी। ये चेन है। कितने रुपए की चेन है? रेसगाड़ी नहीं भाई, मोटरसाइकिल की चेन है। रोटी बिना जहान में चैन है ना करार है, बैठे हैं वर्कशॉप में कहां का इंतजार है। चुप बन जा, तुम दोनों जिंदगी भर काम नहीं सीख सकते। अबे 6 दिन से दुकान सजा बैठे, 72 घंटे से आंखें फाड़ फाड़ कर ग्राहक को देख रहे, कोई ग्राहक नहीं फंसा। तुम लोग अगर इसी तरह हाथ के पैर रखे बैठे रहे तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। हम जाते हैं ग्राहक लेने। समीरुल्लाह मत रोको, मत रोको। ये बाबी पिता ये क्या करेगा? कॉकपिट में से तो आप बाहर निकलिए, ये गाड़ी आपकी है। हाँ, सेठ अलाउद्दीन की है। सेठ अलाउद्दीन की है, 1 लाख की तो होगी। हाँ, क्यों खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं आपको आपकी लापरवाही का एहसास दिलाना चाहता हूँ। आपके इंजन में से बेसुरी आवाजें निकल रही हैं और पहिए ऐसे लहरा रहे हैं जैसे किसी माशूक की कमर, और गाड़ी धुआं दे रही है पीछे से काला। आप ये सामने गैराज में ले चलिए, मैं इसे ठीक करा लेता हूँ। अबे चल रहे मॉडर्न ब्रोकर। अबे जा बे मॉडर्न पर दिखला जाने दे। डबल अवस्था कहिए किबला, कैसे मिजाज हैं? सिराज? कौन सिराज? गाड़ी ठीक कराएंगे। किसके घर आएंगे? घर नहीं जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे, आपके तो अपने ही पुरजे खराब है, जाइए। क्या है जी? कुछ नहीं, वो दरअसल मेरे दोस्त की गाड़ी की शक्ल बिल्कुल इस गाड़ी से मिलती जुलती है, हालांकि उसकी गाड़ी तो खैर खटार है, मगर आपकी गाड़ी वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। पागल कहीं का, चलो ड्राइवर। मिट्टू आ जाओ, खाने का इंतजाम हो रहा है। मिट्टू बेटे, रिश्तेदार। क्या बात है जी, आपकी गाड़ी खरीद में जा रही है? गाड़ी आपकी खराब हो गई जी? क्या पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं होती। हो भी नहीं सकती जी। एक आप ड्राइवर को क्या तनख्वाह देती हैं जी? 200 रुपया। हाँ तो 300 कर दीजिए, आपकी कार के स्पेयर पार्ट्स बिक रहे हैं। अच्छा तो आप ड्राइवर हैं? नहीं जी, मैं तो ऐसे कारों को धक्का लगाता हूँ, शाम को 4-6 रुपए ले जाता हूँ, गरीब आदमी। अच्छा अच्छा, ये सामने गैराज है, अगर आप मुनासिब समझे तो वहाँ गाड़ी ले जाए, मैं ठीक करा दूँ जी। आपको सहमत होगी? नहीं जी, आप तो भाई से रहमत है जी। इंसान की खिदमत करना भाई से रहमत होता है, और मैंने तो फैसला कर लिया है कि बाकी ज़िंदगी इंसान की खिदमत करके कारों को धक्का लगा के गुजार दूंगा जी। तशरीफ रखिए जी। मेहरबानी। मिट्टू आ जा, इंतजाम हो गया है, बड़ा प्यारा है हमारा मिट्टू, आप मिलेंगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जी। अच्छा जी, मिट्टू आ जा। आ जा।
शुक्रिया जनाब। कोई बात ही नहीं, अगर घर में और भी 8-10 खराब गाड़ियां हो तो ले आइए, ठीक करा देंगे। तशरीफ रखिए। थैंक यू। मिस्त्री साहब, भाई जरा हमारी गाड़ी खराब हो गई है, देख लीजिएगा। आपने तो बहुत तकलीफ की। जी शर्मिंदा हूँ। कमाल लड़ा या तुलवर? मोटी आसानी है, दिल जरा तगड़ा ही बनाना। जितना काम उतना बिल। मैं फन के साथ रद्दारी नहीं कर सकता। अबे ओ फनकार, तुम और कमाल दोनों कारोबार के लिए बिल्कुल ना लायक हो। कमाल तुलवर तो ला यार। आपको कुछ फाजिल पुर्जों की जरूरत तो नहीं होगी? जी नहीं, थैंक यू। खातून गाड़ी ठीक हो गई? कितनी जल्दी? सिर्फ प्लग के वायर निकले हुए। और ठीक है, मजदूर आदमी हो, एक जरा बिल तो बनाओ। नहीं नहीं, मामूली काम है, कोई जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। साहब मिस्त्री साहब, जरा गाड़ी में तशरीफ तो रखिए। देख क्या है, आइए। बिल भी गया, मिस्त्री भी गया। अबे बंद करो ये गैराज, ये तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकता। पेट में रोटी नहीं, और बने हैं हातिम ताई के बेटे। इतनी मुश्किल से एक कार आई, एक मिस्त्री गायब हो गया, दूसरी कार आएगी, दूसरा मिस्त्री भी गायब हो जाएगा। जवान हम भी हैं, दिल हमारा भी चाहता है, तीसरी कार आएगी, हम भी गायब हो जाएंगे। यार इन सब बातों को छोड़ो, ये सोचो वो कमाल को साथ क्यों ले गई? वो घर ले गई है, वहां जाके कई हजार रुपए का चेक देगी, वो सुबह कैश कराएगा, उसके बाद फिर हमारे लिए मुर्गी तीतर बटेरे लाएगा, फिर हम लोग खाएंगे। अबे मैं कहता हूँ बंद करो ये गैराज, उतारो ये डांगरी और वापस करो सबका सामान, गैराज खोलेंगे। चलो उठाओ जाके। क्या देख रही? देख रही हूँ आखिर तुम चीज क्या? मैं कमाल हूँ और क्या? मगर मैं तुम्हारे कमालात से तंग आ चुकी। कॉलेज में थे तो आर्ट से लगाव था, कॉलेज छोड़ा तो जूडो के पीछे पड़ गए। जूडो में थोड़ा सा नाम पैदा किया तो मैकेनिक बन बैठे। जनाब अब आपका क्या इरादा है? जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अपनी सलाहियतों को इतने सस्ते दामों मत बेचो। अगर यही काम करना है तो सलीकों से करो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अभी क्यों नहीं होगा? पैसा नहीं। पैसा तुम मुझसे नहीं ले सकते? देखो सिमी, हम साथ पढ़े इकट्ठे घूमते हैं, हमारी दोस्ती है, इसके बावजूद मैं तुमसे कोई हेल्प लेना नहीं चाहता। हर्जी क्या है? अगर दोस्ती में पैसा आ जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है। बकवास मत करो, सुनो कल तुम कहाँ मिल सकते हो? कोई जरूरी काम है? कल 5 बजे पार्क में आ सकते हो? आ जाऊंगा। अच्छा अभी जाऊँ? जी जाइए। कौन टक्कर मार गया? सारी गाड़ी का शो खराब कर दिया। सवाल पैदा होता है कि टक्कर लगी थी पूरी तो ये पूरा बंपर जाना चाहिए था, ये दो निशान किस साथ में? अरे साहब, बड़े बड़े कमीने आदमी इस दुनिया में मौजूद है। चलती गाड़ी को हथौड़ा ही मार के तो माफी बहुत करनी ना। खैर मुझे मिल जाए मैं उसी थोड़े उसके दो टुकड़े कर सकता। अजी साहब आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सामने गैराज है, वहाँ चले चलिए, मैं भी ठीक करा देता हूँ। ये गाड़ी मेरी इंश्योर्ड है। अरे जी हाँ, इंश्योरेंस वाले खुद ही करा लेंगे। इंश्योर्ड है, हर साल मुझसे प्रीमियम भरता हूँ क्या मैं? ठीक है, सही है भाई, और कोई दूसरी गाड़ी देखते, नाराज क्यों हो रहे हो? लेलेरिया? हाँ, जब कोई पढ़ी लिखी लड़की
मजनू कहीं लैला की तरह दिन रात किसी के ख्यालों में खोई रहे तो ये मर्द निर्लज्ज कहलाता है, यानी कि लैला का मर्द। तुम्हें कहीं कर रही हो डॉली, मैं तुम्हें तबाही से बचा दूंगी रोजो। बाय 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 टॉपिक के। देखो एक हफ्ते के बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, लिहाजा आज ही तय हो जाना चाहिए। ठीक है, अब के सवाल चलते हैं। क्यों मंसूर, मेरे ख्याल से इस साल हम ज्यादा से ज्यादा इंटर, यानी कि बाइया की बजाय बाई रोड से। मैंने डैडी को भी मना लिया है। वेरी गुड, फिर तो बहुत मजा आएगा, नए नए शहर देखेंगे। तुम भी चलोगी ना रजो? सॉरी मैं तुम्हारे साथ सवार नहीं चाहती। क्यों? अरे तुम इतनी बात से नाराज होगी? अरे बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी तौबा। रजो शाबाश, माफ कर दे। अरे भाई तू अकेला इसी बिचारी मोटरसाइकिल के पीछे क्यों हाथ धोने पड़ गया? दो चार खटारे और भी तो खड़े, उससे अच्छा तो सफीर उल्ला है, कम से कम गाहक की तलाश में तो चला जाता है। सफीर बहुत गलत हरकतें करता फिर रहा है, अगर किसी गाड़ी तोड़ता पकड़ा गया तो बहुत पिटेगा। चलो पिटाई उसी की तो होगी, मोटर तो टूट कर हमारे वर्कशॉप में आ जाएगी। है अरे अरे ये आप कार पे अठारह क्यों चला रहे हैं? आजकल जी चादरें बड़ी पतली आ रही हैं, इसी तरह चादर चेक कर रहा था मैं। वो क्यों? बस जी मेरी हॉबी है। आइए कुछ चाय वगैरह। थैंक यू। और कोई बटेरा मुर्गी तुम्बा भैंस गाय भैंस? जी नहीं। कोई ऊंट वगैरह? नो थैंक यू। रजत है जो कार की स्पीड के साथ बढ़ती आदा। सलामुअलैकुम। ये तुम पुरानी गाड़ी की जगह क्या उठा लाए? ये दो चांद गाड़ियां बड़ी मुश्किल से मिली, वो अपोलो छोड़ ही नहीं रहा था। आप हैं मिस डॉली, आप हैं मिस रजिया, आप हैं मिस्टर कमाल मशहूर जूडो चैंपियन, आप हैं मिस्टर मकसूद मशहूर मोटरसाइकिल चैंपियन। कमाल साहब आपकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में देखी। देखी होंगी, अक्सर छपती रहती है। हमारी एक सहेली आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है। क्या नाम है उसका? सिमी। सिमी जानती होगी मुझे, बहुत सी लड़कियां जानती है। आप में अपना गिराज नहीं दिखाएंगे? सब कुछ आपके सामने है। खुदा के बंदे वो गैराज के लिए कह रही हैं, उन्हें गैराज दिखाओ और ये स्पेयर पार्ट्स के कुछ नमूने बताओ, उनके नाम बताओ ताकि इनकी मालूमात में इजाफा हो, कभी अपनी ट्यूनिंग भी करा लिया। आप जाइए जी, ये तो जाइए। आप आइए। नो थैंक्स। अरे आप आए ना, बड़े अच्छी नस्ल के पुराने पुराने टायर पड़े हैं जी, सस्ते और मजबूत। ये इन्हें स्पेयर पार्ट्स और पुराने टायर दिखाने लाया है। आप तो बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, डर नहीं लगता? नहीं। आपकी शादी हो गई है? अच्छा तो कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। आज शाम 5 बजे पार्क में मिलेंगे? जी आ जाऊंगा। क्या करें, टेक ऑफ कर जाएगा। ये अपने बाजू वाली गली है ना, उसमें हम लोग एक छोटा सा हवाई जहाज बनाने का कारखाना भी खोल लें। वो दिन याद है आप जब हमारी और आपकी नजरें पहली बार मिली? गालिबन वो इतवार का दिन था। जी नहीं, गालिबन वो पीआर का दिन था। क्या मतलब? मतलब ये कि जब पहली बार मैंने आपको देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे ख्वाबों की मलका, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे ख्वाबों की सब कुछ मुझे मिल गई है। मेरा सर एक टायर की तरह चकराने लगा, मेरी आंखों से आपके फिराक में मोबिलाइल के आंसू टपकने लगे, जब मेरे दोस्तों ने सुबह मेरी चारपाई को जैक लगाकर उठाया तो मेरी जबान पर आप ही का नाम था। एविएशन, एविएशन, ऑप्टिंग। अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना मैं टेक ऑफ कर गया था। कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग? नहीं जी, दिमाग तो नहीं खराब हुआ। आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। आप जिसे मर समझ रही हैं वो दरअसल इश्क है, इश्क, मोहब्बत। मोहब्बत? मोहब्बत ऐसे फजूल जज्बे का नाम है मिस्टर, जो अच्छे भले आदमी को नाकारा और काहिल बना देती है। क्या आप ये दलाल से साबित कर सकती हैं? यस। तो फिर आज शाम आप इस बहस के लिए पार्क पर जरूर आइएगा। मैं डेफिनेटली आऊंगी, मोहब्बत के फलसफे को कंडेम करना मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है। जब आप ठंडे दिल से सोचेंगी तो आप नहीं आएंगी। मैं आऊंगी। आप नहीं आएंगी। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा
करता? चक्कर? वो मेरा एक दोस्त आया हुआ है, उसके कुछ अजीज रिश्तेदार हैं बाहर से, तो उसने कहा था कि ये दो बच्चियां हैं, लाइने शहर में घुमा फिरा लाओ, तो मैं गैराज में घुमाने लिया गया। और तो कोई चक्कर नहीं था? या तो मुझे हवाले समझते हो क्या? और तो कोई बात नहीं भाई? खुदा की कसम कोई बात नहीं। क्यों, तूने तो मोटरसाइकिल के कल पुर्जों का लाओ, कोई बात नहीं की? आप उसके रिकॉर्ड क्यों टाइप कर रहे हैं? तो मैंने भी कल उस लड़की से कोई बात नहीं की। पता है तीनों शरीफ आदमी है। और तीनों काम करें? तीनों काम से लगे हैं भैया। मैं तो घास खरीदने आया था, आप कैसे आई? जी मैं वो दरअसल वो ऐसा आपको किस उम्र में हो जाता है, रिश्तेदार भी साथ आए। हेलो कमाल, एक मजेदार सीन देखो। दरख्त दीवार और बेंच के आड़ में जो चार चोर छुपे हुए हैं वो फौरन बाहर आ जाएं। उन्हें देख लिया गया है। अब तो आइए, सबने देख लिया, चले घास पे बैठते। हाँ, सारे रिश्तेदार एक जगह जमा हो गए हैं। मैं आप लोगों को एक घंटे से तलाश कर रहा था। अबे तू तो घर से पेट में मरोड़ का बहाना करके निकला था, क्या घर में बाथरूम नहीं था? मेरे खालाजाद भाई, मैं यहाँ दवाई लेने आया था। बाग में दवाई? जी हाँ, जड़ी बूटियाँ तलाश कर रहा था। जड़ी तो मिल गई है, बूटी नहीं मिल रही है। और तुम टायर की तलाश में निकले थे, क्या बाग में कबाड़ी की दुकान है? जी, वो स्टपनी गिर गई थी मेरी। हाँ हाँ, मैंने देखी थी, बड़ी खूबसूरत थी बेचारी। बकवास मत करो, आज तुम रेड हैंडेड पकड़े गए। जिमी, ये मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, खालाजाद भाई हैं। जी हाँ, मैं इनसे गैरेज में मिल चुकी। कमाल, ये मेरी सहेली। ये सुजूम से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मुझे तो इजाजत दीजिए। जी हाँ, आइए आपको जिंदा नाच गाना दिखाएं, आइए।
वाकई मुझसे कोई मदद नहीं लोगे? नहीं, मुझे मुस्तकबिल के लिए कोई मदद नहीं दोगे? किस किस्म की मदद? तुम तो जानते हो डैडी मेरी शादी साजिद से करना चाहते हैं, जबकि वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी साजिद को क्यों पसंद करते हैं? वो उसकी असलियत नहीं जानते। तो उन्हें असलियत बता दो। मुसीबत तो ये है कि डैडी उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनते। डैडी साजिद को पसंद करते हैं, तुम उसे पसंद नहीं करती, शादी डैडी की मर्जी से होगी, इसका तो एक ही हल है कि तुम साजिद से शादी कर लो। ओहो, ये क्या बकवास है। अच्छा, अब मूड मत खराब करो, संजीद की सुनो। सीमी, अगर साजिद बुरा आदमी है तो उसकी बुराई सामने आ जाएगी और हम। हाँ हाँ बोलो, रुक क्योंगे? कह दूं? सीमी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, चाहता हूँ हम दोनों जिंदगी के साथी बन जाए, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। जिस दिन मैंने अपने आप को तुम्हारे लेवल पर पाया, मैं तुम्हें अपना लूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपने तारीख आलम का मुताला किया है तो शायद आपको याद होगा कि हर दौर, हर सदी, हर साल एक न एक जोड़ा ऐसा जरूर पैदा हुआ है जिसने मोहब्बत के मैदान में झंडे गाड़ दिए हैं। अब अपने ताया के लड़के मजनू को ही देख लो। तुम हंस क्यों रही हो? बात तो रोने की है मगर मुझे हंसी आ रही है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मिस्टर मजनू दिक के मरीज थे और दिक की वजह थी मोहब्बत। बस साबित हुआ मोहब्बत दिक क्या और दिक मौत। अच्छा, फराज साहब को तो जनाब कोई टीवी शीवी नहीं थी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मौसूस तो जनाब मजनू से भी दो चार हाथ ऊंचे थे। इसमें उसकी क्या खता है अगर उसकी हाइट जरा ज्यादा थी? पहले तो कई बस नहर खोदने में जाया किया। अरे इंजीनियर साहब, नहर खोदने में तो टाइम लगता है ना कुछ। और जब नहर खुद के तैयार हो गई तो एक गलत अफवाह पर यकीन करते हुए कि श्री मर गई है, पत्थर तोड़ने वाले पेशे से अपना सर तोड़ लिया। भला ये कहाँ की अकलमंदी थी? तुम चुप रहो डाली, जिन चीजों की बारीकियों को नहीं समझ सकती हो उनका मजाक क्यों उड़ा रही? मैं यहाँ इस मौजू पे बहस के लिए आई हूँ, लिहाजा सुनो और सुनते रहो, वरना मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा जी, बहस शुरू कीजिए। कीजिए। मैं दावे से कहती हूँ कि मोहब्बत हिमाकत है। मैं दावे से कहता हूँ मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत लंच है, मोहब्बत डिनर है, मोहब्बत दिन है, फास्ट है। अच्छा, तो फिर साबित करो। अब ये इतनी जल्दी तो साबित नहीं हो सकता, 200-400 मरतबा बैठेंगे, बातें होंगी, उसके बाद एक दिन आप कायल हो जाएंगे कि मोहब्बत एक अजीम जज्बा है। बगैर मोहब्बत के बीवी इंसान साहब औलाद भी नहीं होता। अगर दौलत हो तो औलाद खरीदी भी जा सकती है मिस्टर। अरे मैं बंदर के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान के बच्चों की बात कर रहा था। ओह यू शट अप। अब जिस बात का जवाब ना दे सके तो शट अप। कितना हसीन है ये मौसम, है ना? हाँ। ये रंगीन फजा, ये मस्त मस्त हवाएं, कितना हसीन है ये मौसम। जी जी हाँ। क्या सोच रहे हो तुम? मैं मोटरसाइकिल के बारे में कुछ सोच रहा था। मोटरसाइकिल? तुम इस वक्त मोटरसाइकिल के बारे में सोच रहे हो? हाँ, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसमें 100 हॉर्स पावर का एक इंजन हो, जिसकी रफ्तार 1000 मील प्रति घंटा, जिस पर मैं दुनिया का सफर करूं। अकेले ही जाओगे? नहीं तो फिर? मेरी मोटरसाइकिल मेरे साथ होगी। मोटरसाइकिल। आ डाली प्यार करें। हे बांबो, जाओ बेटा घूमने फिरो। हे बांबो। क्या हुआ पार्टनर, कहीं अंकल से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे सारा प्रोग्राम उल्टा होते हुए नजर आ रहा है। हुआ क्या पार्टनर? मैं समझ रहा था बुड्ढे को शीशे में उतार कर सीमी से शादी कर लूंगा, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है। वो क्यों पार्टनर? उसको मेरे मुतालिक सब कुछ मालूम हो गया। फिर अब क्या होगा पार्टनर? अब क्या होगा मुझे सोचने दो। जल्दी यार। क्यों जना, अब तो गाड़ी ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक हो गई, मैं आप लोगों के काम से बहुत खुश हूँ। ये लीजिए 1000 रुपए। शुक्रिया। कैश तो मैं रखता हूँ। अगर एक ग्राहक रोज ऐसा आ जाए तो 6 महीने में तो हम लोग करोड़पति हो जाए। करोड़पति? ये हलाल की कमाई है मेरे भाई, इससे 6 महीने में करोड़पति नहीं बनते। अच्छा तो फिर मेरा हिस्सा दे दो। मेरा हिस्सा? देखो भाइयों, ये हमारी पहली कमाई है 1000 रुपए, इसमें से 700 रुपए माँ के हैं और 300 हम सबके, 100 तेरे, 100 तेरे और 100 मेरे। मुद्दतों बाद नोट की शक्ल देखिए।
किस कदर भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आज हम लोग किसी बहुत बड़े होटल में चलेंगे और अपना अपना बिल देंगे। जी नहीं, हम सीधे घर जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे, हम होटल जाएंगे। मैं लालटेन की जर्द रोशनी से तंग आ गया हूँ। मुझे किसी ऐसी जगमगाती हुई जगह ले चलो जहाँ सर सराते दुपट्टे हों, जहाँ गजाली आंखें हों, जहाँ महकते हुए गेट हों, जहाँ गोल गोल बड़ी बड़ी खूबसूरत रोटियां हो, रोटियां जहाँ पुलाव की खुशबू आ रही हो। भपके निकल जाओ भपके। अच्छा चलो, एक रुपए के नान छोटे ही मंगा लो। मेरे रिश्तेदार वाला मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। 100 रुपए के नशे चढ़ा भूख। साजन बेटे, सिमी अपनी सहेलियों के साथ छुट्टियां मनाने सवा जा रही है। अंकल, यही तो मौसम सवा जाने का है। वैसे यहाँ गर्मियों में जी घबराने लगता है। इनका प्रोग्राम बाय रोड जाने का है, तुम भी साथ चले जाना। अंकल, मैं आपके हुक्म की तामीर करूंगा। अब जाकर तैयारी करो, गाड़ियों की सर्विस भी करवा लेना, और हाँ सुनो, 2 गार्ड और 1 ड्राइवर का बंदोबस्त भी कर लेना। डैडी, इतना बहुत सा काम इन्हें मत सौंपिए, गाड़ियों की सर्विस तो ये करा लेंगे, गार्ड्स और ड्राइवर का बंदोबस्त आप कीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं खुद ही कर लूंगा। आप धूप में यहाँ क्या कर रही हैं? आइए उधर साय में बैठ जाइए, आप अकेली। ये मेरे साथ है। आपने मुझे बुलाया? हाजिर हुआ मैं। क्या बात है? अन अभी अंधेरे फट जाएंगे और हमारे चारों तरफ दौलत के उजाले फैल जाएंगे। कल तक तो ना उम्मीद थे पार्टनर, अभी अचानक इनकलाब था। सुनोगे? यस। सुनो, सीमी पायरोट सवार जा रही है, तुम लोग भी तैयार हो जाओ ताकि रास्ते में हम अपना काम पूरा कर सके। ओके पार्टनर, क्या सिमी भी तुम्हारे साथ जाएगी? हाँ, लेकिन मेरे साथ 2 गार्ड भी जा रहे हैं। 2 गार्ड तो क्या, अगर 10 गार्ड भी हो तो वो भी हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकते। शाबाश। मैं तुम्हारे साथ सवार नहीं जा रहा। क्यों? मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो जाएगा। 500 रुपये होगा। हमारा गैराज अब तरक्की कर रहा है, अब एक बहुत बड़ा गैराज होगा, बहुत ज्यादा आमदनी होगी, हम बहुत मालदार आदमी होंगे, लखपति, करोड़पति, अरबपति। फिर हम मोटरों के असेंबली प्लांट लगाएंगे, कई जगह शोरूम खोलेंगे, हर रोज हर शहर में हजारों मोटरें बिकेंगी। कुछ आप ही फरमाइए। आपका ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कब तक मुकम्मल होगा? जी कोई ज्यादा से ज्यादा 10 साल मुकम्मल होते ही। सवाल। सॉरी जेंटलमैन, मैं इतनी बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज के बाद मैं आकर नहीं मिलूंगी। तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ, किस हैसियत से जाऊँ। शुरू हो गए? तुम खुद ही फैसला करो सीमी, तुम गर्मियां गुजारने स्वाद जा रही हो, तुम जा सकती हो, तुम्हारा माल है। ओफो, तुम्हें पैसा खर्च करने के लिए कौन कहता है? और भी तो साथ जा रहे हैं, एक तुम्हारा इजाफा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरा जमीन मेरी गैरत मुझे इजाजत देती। तुम सीरियस हो? हाँ। तुम इंसान नहीं पत्थर, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि साजिद मेरे साथ जा रहा है, जो बहुत फितरत इंसान है। लिहाजा हमेशा के लिए खुदा हाफिज, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश। Thank you.
क्या हुआ जी? जो होना था वो हो गया जी। जी हाँ जी, ये क्या शोरगुल था जी? लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं फौरन वर्दी पहन के आ गया कि हो सकता है किसी को अस्पताल छोड़ना पड़े। गार्ड, तुमने किसी को देखा? हाँ जी देखा। किसको देखा? देखा जी, दो पिट रहे थे, दो को पीट रहे थे। लेकिन वो कौन थे? साहब जी आपको नहीं मालूम? अब मुझे कैसे मालूम, मैं तो अंदर सो रहा था। ये बड़ा अच्छा हुआ साहब जी कि आप अंदर सो रहे थे। अरे तुमने मन की आंख खोलते भी नहीं देखा साहब जी। क्या बता दो, क्या बता हो रहा जी? उन्हें जाकर पिटाई हो रही थी, उसे मर गए जाके भुनिया के टोबो में। मारे होते हो थरू कोई कम नहीं। जाओ जी भी प्लीज सो जाओ, जाओ जी सो जाओ, जाओ जी गड्डी के कोचवान साहब। चल रहे बैंड मास्टर। अच्छा जी हम जाके बैंड बजा रहे हैं, थारे को कोई कतल कर ले तो हमको आवाज देना ना। टेंशन कोई मार लो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। साहब जी मैं वर्दी ही पहन के सोता हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लीजिएगा। बड़ी खतरनाक रात है, तुम यही खड़े रहो। नहीं जी, ये काम उनका है, मैं तो सिर्फ गाड़ी चलाना जानता हूँ। आप जाके बाथरूम में छुप जाइए। बाथरूम में छुप जाओ? बात कहूं, इन दोनों को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि शहर में जाएंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। क्यों क्यों उड़ाएंगे ना मजाक? मारी फिकल कोई जिन आवरू जाती है थोड़ी बहुत है। उन्हें देख ले, चक्कर है शक्कर, और दरिया का पानी लेकर शक्कर के साथ तुझे घोल के सारे शहर को सबक खिला दूंगा। सुन रही है बीबी जी, अभी वुल से परे परे है तो इसने शक्कर का शरबत पिलाना शुरू कर दिया है। शहर में पहुंचेंगे तो ये तंदूर लगा के बैठ जाएंगे। देखने ड्राइवर तेरी तो चले है जवान, हम मारो चले हाथ। थू, थू, एक डंडा दूंगा तो नस्लें गंजी पैदा होंगी। ये लीजिए, सुन लीजिए, अभी इधर ही हैं, शहर नहीं पहुंचे हैं तो नस्लें गंजी होने लगी इन लोगों की। बुरा जनानियों की आड़ ले, मर्दों से बात कर, मर्दों से। शहर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। ना तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं, हरी हरी तू भी जा। जाओ तुम भी जाओ। चल 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 फिगमार लमट राइट लमट लमट राइट लमट। तुम्हारे दोनों दोस्त बहुत बेस्ट हैं। अजी बीबी जी, मैं तो आपको बताने ही भूल गया, वो तो बहुत ही घटिया और कमीने किस्म के इंसान। बुराई जलील आदमी है भाई, पीछे पीछे बुराई कर रहे हैं। लीजिए, वो आपके चौकीदार फिर आ गए। तुम फिर पीछे पीछे आ गए? नहीं जी, हम तो थारे आगे आगे चले हैं। मेरा हुक्म है वापस जाओ। और थारे बाप का हुक्म है साथ रहियो। जो दिया है शहर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ वापस। जानतियो नहीं, हमारे तारे अर्जी बुजुर्ग है। बुजुर्ग ऐसे होते हैं, लड़कियों के पीछे फिरते हैं। जाओ जाके गाड़ी धो। और तू जो लड़कियों के साथ साथ फिरे, और तेरा की एक बार न तेरी दाढ़ी न मूछ। ओ यू फूल, गो बैक। गो जी, फरमाओ जी, अंग्रेजी में बेइज्जती बर्दाश्त न होगी। बीबी जी, उर्दू में दो चार गालियां दे दीजिए। वो जो छोड़ दिया दीदी की वजह करके, वरना मारा मौला बख्श घूम जावे है तो शक्कर का बंदर रोड़ी में जाकर ले उड़िया खावे है। कुंडी लगा ले, मैं खिड़की के रास्ते जाकर देखता हूँ। यहाँ के बाद हम मुल्तान करेंगे, इसके बाद मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हमें ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जो कि नाकाम ना हो। तुम फिक्र मत करो पार्टनर, अब जो काम भी होगा सलीके से होगा। ओके 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 ओके। चलो प्यारे, उधर क्या चक्कर है? अरे वही अपना पुराना चक्कर है, आओ अपने मिशन पर चलते हैं। आप परेशान ना हो, पेमेंट मैं कर दूंगा। उलट चुलट के देखो, शायद कोई काम की चीज़।
बिल का पेमेंट करने आई हो? जी नहीं, आपसे पूछने आई हूँ ये क्या हरकत है। अरे सीमी, हरकत वरकत कुछ नहीं, दरअसल मेरे कब्जे में एक जिन है। मेरा हुक्म है कि जब कभी तुम अकेली हो मुझे तुम्हारे पास पहुँचा दे। आज हैदराबाद में बहुत गर्मी थी। अच्छा, तो आप हैदराबाद से आ रहे हैं? हाँ हाँ, कोई किराया तो लगता नहीं, वैसे भी दिल के हाथों मजबूर था। आप दिल वाले कब से हो गए? जब से किसी के रूठने की अदा भागी। वैसे मुझे भी आपकी एक अदा बहुत पसंद है। कौन सी? वही जो आप गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो जाते। अरे सीमी, ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। जिस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि गधे के सर से सींग क्यों गायब हो जाते थे, तो मुझे दाद दोगी। अच्छा ये बताओ, प्रोग्राम क्या है? तुम तो यहाँ के बाद मुल्तान ठहरोगी ना। तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें बताया तो है, मेरे कब्जे में एक जिन है। तो तुम हमारे साथ जा रहे हो ना? मैं शायद ना जा सकूं, लेकिन तुम रात को मुल्तान नहीं ठहरोगी। क्यों? ये मेरा हुक्म है और मेरे जिन का हुक्म है। लो, मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे वर्कशॉप में इस वक्त एक पुरानी खटारा गाड़ी मरम्मत के लिए आई है, और वो साजी साहब आ रहे हैं, तुम उनकी मरम्मत करो। लेकिन मैं मुल्तान। सीमी, आप यहाँ बैठी है, बखुदा मैं आपको कब से तलाश कर रहा हूँ। ओ बिला वजह सहमत किया। अरे सहमत की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। सीमी, वो देखो डॉली ड्राइवर के साथ बैठी हुई है। तो क्या हुआ, ड्राइवर इंसान नहीं है? ड्राइवर तो इंसान है, लेकिन उसने इंसानियत का दामन छोड़ दिया। आपका गुस्सा तो हर वक्त यहाँ रहता है। मुझसे मिलने आए हैं ना? जी, मैं तो अपनी मोटरसाइकिल के लिए पुर्जे लेने आया था, सोचा चाय पीता चलो। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, आखिर जी मोटरसाइकिल का पीछा कब छूटेगा? आप पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं जिस पे जरा सा भी आशिक हो जाता हूँ उसे कोई बात छुपाता नहीं। तुम्हारे डैडी ने लव मैरिज की थी? जी, लव मैरिज। मेरे वाले साहब शरीफ आदमी थे, जिस जमाने में उन्होंने शादी की उस जमाने में लव मैरिज का मतलब था जूते, जेल, जुर्माना। और वो थे खानदानी शरीफ आदमी, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम दोनों लव मैरिज के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। हो सकते हैं वो दोनों खामोश मोहब्बत करते रहे हो। जी माशाल्लाह साहिब जबान थे, जब तक जिंदा रहे मुस्तकिल बोलते रहे। खामोश मोहब्बत क्यों करते? तुम्हारी मम्मी जिंदा है? जी, जब मैं बहुत छोटा सा था तो उनका इंतकाल हो गया। Here lies the point. ये क्रॉकरी के पैसे आप देंगी? ओह, इट्स ऑलराइट मिस्टर सफीर। फिर तोड़ना शुरू कीजिए। ये जो तुम वक्त बेवक्त बल्कि हर वक्त मोहब्बत का राग लापते हो ना, इसकी एक बहुत बड़ी नफसियाती वजह है। कोई नफसियाती वजह नहीं, आप बिला वजह बेवकूफ बना रही हैं। जब से दुनिया बनी है ये राग मुस्तकिल अलापा जा रहा है। हम जवान हो गए, हम भी अलापेंगे। खामोश हो जाओ, ये बहस से कोई मजाक नहीं। तुम्हारी मम्मी बचपन में मरी, तुम्हें पत व शफकत नहीं मिली जो माँ की गोद से मिलती है। तुम माँ की आगोश से बिछड़कर तन्हा भटकते रहे, तिश्नगी बढ़ती गई बढ़ती रही, और इस हद तक बढ़ी कि तुम हर लड़की की तरफ झुकते गए। मगर किसी ने घास नहीं डाली। बस आपके इस नजरिए की रोशनी में साबित हुआ कि जितने उशाक थे उनकी माएँ तो बचपन में ही मर गई थी। मगर ये ऐसा बकवास नजरिया है जिस पर कोई अकलमंद आशिक एतबार नहीं कर सकता। तुमने जिस नजरिए को बकवास कहा है उसकी बकवास से साबित करो, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। क्या कह रही हो, ये होटल है आपके अब्बा जी का डाइनिंग रूम नहीं। मैं तुम जैसे बहस करने वाले पर हाथ देती हूँ। जारी रहेगी, खबरदार नहीं उसके बहस की, वरना मैं तुम्हारी तबीयत साफ कर दूंगी। अगर आपने बहस नहीं की तो मैं आपकी लिपस्टिक साफ कर दूंगा। मेरे पास भी इस वक्त तलवार नहीं, वरना मैं आपकी भवें बारीक कर देता। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। आपको भी समोसे खाने की तमीज नहीं, आखिर मिर्चों की भी कोई हद होती है। यकीन जानो, यह मुल्तान तो क्लासिकल शहर है। जिधर भी देखो माजी की अजमत के निशानात मौजूद हैं।
मेरा ख्याल है यहाँ कम से कम दो दिन रुका जाए। मिस्टर साजिद, इस क्लासिकल शहर में जो कुछ भी है वो 6 घंटे में देखा जा सकता है, लिहाजा हम आज ही यहाँ से रवाना। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि जरा गाड़ियों की सर्विस भी हो जाती और स्टाफ को भी आराम मिल जाता। सर्विस और आराम लाहौर में होगा। अभी हम लोग बाजार जा रहे हैं, वापस आते ही लाहौर रवाना हो जाए। बहुत अच्छा, आओ भाई चलो।
ड्राइवर तुम ठहरो, मैं अभी आते। हेलो पार्टनर, ये लो क्लोरोफॉर्म, वो रूम नंबर 52 में है, उसे बेहोश करके उठा लेना और पिछले रास्ते से उतर जा। वहां होटल का चौकीदार भी तो मौजूद होगा पार्टनर, तुम्हें मैदान साफ मिलेगा। होटल से बाहर निकल कर क्या करेंगे पार्टनर? दरिया का पुल काफी ऊंचा है, दरमियान से गहराई भी काफी है, समझे? ओके 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 ओके। जो काम हो सकता था वो तो हमने कर दिया, किलोरो फार्म की शीशी हमने उलट दी। अब मामला है लड़ाई झगड़े का, तो अगर आप लोग मुनासिब समझे तो आप लोग कर लें। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या? हम काउंटर अटैक की देते। करो करो करो। वो कैसे? कैमोफ्लैश। तुम आओ मेरे साथ चलो। अब ये लोग लड़ेंगे, झगड़ा होगा, हम सोएंगे। बात करना चाहता था। ये शरीफों को डिस्टर्ब करने का टाइम है। जी हाँ, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। लेकिन
लेकिन मेरी तुम्हारी बातचीत तो बिल्कुल बंद हो चुकी है। हाँ, आपस में बंद हुई है, किसी बैंक के लॉकर में तो बंद नहीं हुई है। आपस की बातचीत किसी वक्त भी खुल सकती है। कहो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता था। बात यह है कि ये बता दें मुझे कि ये मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती है और ये आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है।
के फिर चले वहाँ जाओ। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोल। और कहाँ क्यों बोल रही है? हमारे साथ आने से इनकार कर दिया और जिप्सियों के साथ सफर कर रहे हो। हैदराबाद भी उन्हीं के साथ है और यहाँ वो बोलने बोलने मेमोरी, मैं तो तारी सबसे मुशाहिदा कर लूँगा। देख बादशाह चाहूंगी तो मकबरा। क्या बकवास कर रहे हो, सीधी मुंह बात करो। और की करा बेटे, मेरे तो लाहौर का पानी सर से चढ़ते बोल रहा। वाह, मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। ये क्या शराफत है, मिलते भी हो और गायब भी हो जाते हो। ये मेरा जरा ख्याल है। तुम्हारा ही तो ख्याल है सिमी, जो मैं साय की तरह तुम्हारे साथ लगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ना बाबा, मुझे तुम्हारे उन राजपूत नुमा गार्डों से बहुत डर लगता है। अच्छा ये बताओ, अब कब मिलोगे? फिर गायब होने का इरादा है क्या? मोहब्बत करने वालों के इन अजीम शहनशाह जहांगीर के मकबरे की कसम, में सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तुम्हारी डोली आ रही है। मेरी डोली? हाँ वो डोली, साथ में कार भी है। वो देखो सिमी, वेरी गुड। कमबख्तों उतारो, मैं मर रहा हूँ, तुम बहस कर रहे हो। राव जी सोच लो, पुलिस का मामला, पुलिस आ गया, तहकीकात करे, मुजरिम को पकड़ के सजा दिलवावे। रुपए ले उतार। बोलो पुलिस, रुपए ले उतार। बोलो पुलिस, ले उतार। बेवकूफों, पहले मुझे उतारो वरना मैं मर जाऊंगा। राव जी फरमाओ जी, उतार ले। सब जी क्या हो रहा सी? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, लेकिन तुम ठहरो। ये लो तुम्हारा इनाम, और सुनो किसी से कहना मत। राव जी फरमाओ जी, किसी को कहना नहीं। नहीं भाई नहीं। ओ दस रुपए थारे तो दस रुपए मारे। रशीद राम, दो साल छह महीने। कुछ बताओ भी भाड़ना, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी नारेवी ने सारा काम चौपट कर दिया। एक औरत के सामने तुम्हारा यह हाल है? तकदीर उसका साथ दे रही है पार्टनर, मुझे तो अब खौफ आने लगा है। हमें भी खौफ आने लगा है। कैसा खौफ? कैसा खौफ? कैसा खौफ? कैसा खौफ? मेरे ख्याल में कुछ लोग मुसलसल हमारा पीछा कर रहे हैं और वही हमारा हर प्रोग्राम नाकाम बना रहे हैं। जब से यहाँ आया हूँ अजीब अजीब हादसा हो रहे हैं। अब तुम लोग कान खोल कर सुन लो। कल सुबह मैं उससे छंगा मांगा ले जा रहा हूँ, तुम रास्ते में हमला करके उसे उठा लेना। इनके उजाले में? हाँ, वहां दूर दूर तक आदमी का निशान ना होगा। ओके पार्टनर। Thank you.
तुम नहाओ, मैं साबुन भेजता हूँ। फिकर कोई बात नहीं, चल भाई ड्राइवर, गुंडे तो फंस गए बढ़िया के टप्पा में, आ जाए ना हो जी, बैठ जा मारे धोरे, चलो नहीं मेरी फिटफिटी, ओ चलो तेरे रब दिया आस, राम खोरा, दो मरियल बुट्टे तुमसे लड़की छीन कर ले गए, लड़े थे तुम पर। पार्टनर, वो
मैं क्या बनाऊं? कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। अच्छा, मैं फौरन फिर भी रवाना हो जाऊंगा।
हेलो सीमा। कमाल, अब आए हो जब मुझ पर से कयामत गुजर चुकी। तुम तो खुद ही कयामत हो सीमा। अच्छा बताओ क्या हुआ? मुझे बदमाशों ने अगवा कर लिया था। गार्ड से एन वक्त पर ना पहुंचते तो मेरी लाश ही मिलती। ऐसी बात मुझसे नहीं निकाला करते। अच्छा ये बताओ, ये तबाही हादसा था या सोची समझी स्कीम? खुदा ही बेहतर जानता है। वैसे न जाने क्यों मुझे रोज बरोज साजिद से नफरत होती जा रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, साजिद तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है? हो सकता है। वजह? दौलत की है। उसे पता है कि मैं उसे शादी नहीं करती। क्या बुराई है उसमें? अच्छा खासा है, नौजवान है, खूबसूरत है, दो नाके एक आंख है। देखो कमाल, ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद है। अच्छा मजाक छोड़ो सीमी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। स्वात अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाकर सब राज खुल जाएगा। कहना क्या चाहती हो? मैं कोई खास बात नहीं। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कितने दिन रहोगी? ज्यादा से ज्यादा दो दिन। दो दिन? अच्छा गायब होने से पहले तुम बताओ ये पुरस्कार अंदाज में सफर क्यों कर रहे हो? सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। किसी दिन आराम से बैठेंगे तो सब कुछ बता दूंगा। अच्छा आज मुस्कुराते हुए मुझे रुख्सत करो। तो आज जनाब का अचानक गायब होने का इरादा नहीं था? तो सही लेकिन कैंसिल कर दिया, आज लाइन क्लियर। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी मोड़ पर। जूलियट। अरे वो रोमियो की बच्ची, तुम इस वक्त आधी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं ये पीपल के पेड़ पे आम तोड़ने आया था, देखा आप लेटी नहीं है, मैं सोचा सलाम करता हुआ चलूं। हाँ वही हूँ। अरे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारा पैर स्लिप हो गया तो मर जाओगे। जब पहली बार आपको देखा था वही पैर फिसल गया था, वही दम निकल गया था। चुप करो, साथ वाले रूम में से किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? आप फिक्र ना करें, बेधड़क होकर इश्क करें। मैंने चेक कर लिया, कोई पैसेंजर नहीं, सारी रो खाली है। आज फैसला करके जाऊंगा, आज बहस नहीं चलेगी, आज फैसला करके जाऊंगा। किस बात का फैसला? जिस बात पर बहस चल रही है, विच्चों तो आप इश्क करती हैं और हमें बहस में लगाया हुआ है। आखिर मुझ में किस चीज की कमी है? दिल वाला हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ, सरमाएदार हूँ। आपको तो पता है हर वक्त मेरी जेब में 2.5-3 रुपए पड़े रहते हैं, फिर मेरी मोहब्बत का गला क्यों घोटा जा रहा है? अगर मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया तो मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। आप? मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली नहीं। जब चाहे मरो, मुझे तुम्हारी मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, मेरी आँख से कासू भी नहीं टपकेगा, समझे? ठीक है, ये लाओ आरी और नीचे जाकर ये पेड़ काट दो ताकि मैं तुम्हारे सर पे गिर के मर जाऊं। आरी? मेरे पास आरी कहाँ? ठीक है नेल कटर निकाल लो, मैं तुम्हें 36 घंटे का नोटिस देता हूँ। अगर इसमें तुमने मुझसे बाकायदा ही शुरू न किया तो मेरी लाश तुम्हारी गोद में पड़ी होगी और तुम फूट फूट कर रो रही ही होगी। Oh, you fool! Oh, you, Juliet! क्या खबर लाए? सीक्रेट एजेंट बंद बंद सब वो लोग बातें कर रहे थे कि रात के ठीक 12 बजे ट्रक बिल्डिंग के पीछे खिड़की के नीचे लगा दिया जाएगा और रस्सी यानी सीमी रस्सी के जरिए ट्रक में उतार दी जाएंगी। 4 बदमाश उस ट्रक को फॉलो करेंगे और शहर से ठीक 18 मील दूर पर वह यानी साजिद उनका इंतजार कर रहा होगा। मैं खुदा के लिए उन्हें आज ही पकड़वा दे जल्दी से। बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है तुम जाकर पुलिस को तलाक करो, तुम 18 मील पर जाकर इंतजार करो, मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ न करे। ठीक है भैया। क्या
लोगों ने एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से फर्ज अदा किया है, उसके लिए हम आपके लिए शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, फर्ज किसी शुक्रिया का मोहताज नहीं होता, क्यों भाई सफरुल्ला? बिल्कुल सही, मैं आपकी फाइल आई जी साहब को भेज रहा हूँ। ये खुदा के लिए हमारी फाइल आई जी साहब को तो ना भेजिए। हमने ये काम किसी लालच के तहत तो नहीं किया। वो तो ठीक है, लेकिन कानून का हाथ बटाने वाले मौजूद शहरी सिर्फ तारीफ के नहीं बल्कि इनाम के भी मुस्तैद। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं भाइयों, इंस्पेक्टर साहब वैसे ये काम बड़ा जान जोखों का था। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे देना चाहती है। जैसी इनकी मर्जी। अच्छा हमें इजाजत दीजिए, आप अपना प्रोग्राम और पता लिखा जाइए। बेहतर है। अच्छा आप हमें इजाजत दीजिए, वैसे ये काम हमने किसी लालच के तहत नहीं किया, आगे आपकी मर्जी। हम लोग तीन हैं, आई जी साहब के फैसले तक हम इसे यहाँ छोड़े जा रहे हैं, पैसे इसे ही दे दीजिएगा। नहीं नहीं आप भी जाइए। दोपहर को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे, आगे पहाड़ी इलाका है, तुम लोग अपनी मोटरसाइकिलों की सर्विस करा लो। राम जी, राम जी, पूरे नाम हमारी मोटरसाइकिलों की से आपका हाल तो बताइए। बीबी जी मारी मोटरसाइकिलें तो ऐसी तो कभी खराब ही ना हमें मारी चाहिए, हर भी गड्ढे की तरह हुआ था जैसे हम थर लाल। वेरी गुड, जाओ फिर चलने की तैयारी करो। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार और आप? मगर मैं बहुत देर तक आपका इंतजार नहीं कर सकती। ये हसीन वादियाँ बेरुखी तो नहीं सिखाती। बेरुखी की इब्तिदा तो आपने की थी। तुम इसे इंतहा तक पहुँचा रही हो? जी हाँ, जब से तुमने गायब होना सीखा। अब तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। इस नए सच का सबूत क्या है? दरअसल सीमी मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब मुझे मालूम हो गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अब मैं भी तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूंगा। ये आंखें, ये होंठ, ये मुस्कुराहट मेरे लिए तो है। जिस दिन मेरा तजर्बा कामयाब हो गया, मेरी मोटरसाइकिल हवा में उड़ गई, मेरे लिए तरक्की की राहें खुल जाएंगी, गवर्नमेंट मेरी हेल्प करेगी, मैं उड़ने वाली मोटरसाइकिलों का बहुत बड़ा कारखाना खोलूंगा, सारी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजेगा। समाश खड़े हो जाओ। जी जाओ, जाके अपने नाम का डंका बजाओ, पत्थर कहीं का। आप मेरी डायरेक्ट इंसल्ट कर रही हैं। तुम इसी काबिल हो, इतना बदशौक आदमी हमेशा मोहब्बत के मैदान में। अरे अरे आप रो क्यों रही हैं? और क्या करूं? मुझसे मोहब्बत कीजिए। हैं? तुमसे मोहब्बत? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और आज इन हसीन नजारों की कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद मेरी तुम्हारी मोहब्बत के दरमियान मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं। कौन शोर मचा रहा है? चैन से मरने की नहीं देते। ये कौन बोल रहा है? मैं गाली। कौन गाली? किसकी गाली? गाली की गाली? तुम्हारी गाली। ये तुम्हें क्या हुआ है? बस यूं ही जवानी व्यस्त हो रही थी, और मैंने इस दुनिया से घबरा कर आखिर क्यों? इसलिए कि इस बनास्पति दुनिया में कोई किसी का दुख नहीं समझता। लोग मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाते थे, जलते थे। स्वाद की रंगीन वादी है, गवाह रहना। आज इस दुनिया से एक बहुत ही कर का आशिक कुछ कर रहा, लेकिन मरते वक्त भी उसके महबूब का नाम उसकी जबान पर है। क्या नाम है तुम्हारा? डॉली। 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 डॉली।
क्या मालूम था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी सभी। क्या पता था कि तुम मेरे लिए खुदकुशी कर लोगे? सभी लौट आओ, प्लीज खुदा के लिए लौट आओ सभी, लौट आओ। दीदी, दीदी आ गया। सभी? ऐ जिंदा लाश पर रोने वाली, खड़े हो जाओ। तुम तो कहती थी कि दुनिया में मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इसलिए आज तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? आज ये मोहब्बत के मजार पर फातिया पढ़ने क्यों आ गई? लड़की ने मेरे सामने इकरार किया है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, लिहाजा आज से बहस बंद की जाती है और शादी की तैयारियां शुरू। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे अब्बा से बातचीत करने। तुम बहुत धोखेबाज हो, मैं तुम्हें इस बात की हर की इजाजत नहीं दूंगी। तुम पटाखती रहो, हम जा रहे हैं तुम्हारे अब्बा से बात करने। मेरी बात तो सुनो। बात लगन मंडप पर बैठकर होगी श्रीमती जी। मेरी ये टोपी साफ करके घर भिजवा दे।
देखो अमित। यस सर। ये है वो छोटा पुल। ये है ना सर, यहाँ से हमारा काफिला गुजरेगा। जब वो दो बुड्ढे मोटरसाइकिल वाले यहाँ से गुजर जाएं, तो तुम इस पुल को ब्लास्ट कर देना। ओके। कार यहाँ रह जाएगी। यहाँ से मैं लड़की को लेकर निकल जाऊंगा, तुम इन दो बुड्ढे से निपट लेना। ओके पार्टनर। एक्सक्यूज मी सर, वो पुल जो है लोहे का है या लकड़ी का? वो पुल लकड़ी का। ओके। बड़ा नुकसान होएगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसे दरिया में फेंक दूंगा। उन्हें ज्यादा रोब ना दिखा और तू अपनी असली रूप में आ गया तो हमारा रूप भी देख ले। तुम जिसका हाथ तुम मौत के हाथ में दे देना चाहते हो साजिद, उसके बाप ने तुम्हारा हाथ उस वक्त थामा था जब तुम यतीम के दाग को लिए सड़कों पर बेसहारा मारे मारे फिर रहे थे। उसने दो वक्त की रोटी के अवैध गुलाम खरीदा था। उसको अपनी बेटी के लिए एक ऐसे शौहर की जरूरत थी जो कुत्ता बनकर उसके घर पर रहे ताकि उसकी दौलत बाहर ना जा सके। तुम्हारी बुरी फितरत ने एक नेक आदमी के जज्बे को गलत समझा है साजिद। कुछ भी सही है, अब मैं किसी कीमत पर नाकाम होना नहीं चाहता। इसके लिए तुम इसे जान से मार देना चाहते हो? हाँ। मगर मुझे सीमी की जिंदगी ज्यादा चीज है, मैं जा रहा हूं। कमाल!
साजिद सीमी पर जल्दी में आशिक हो गया था और वो इखलाकन उसे लेकर भाग गया। उसकी जान खतरे में। कहाँ है वो? सही पता तो बताकर गया नहीं जना। वैसे आप मेरे साथ चलिए, देख रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप भी तशरीफ लाइए।
जी, कहाँ है वो नमक हराम साजिद? वो तो जी अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी नमक हरामी उसे दरिया में बहा कर ले गई। आपके मुंह बोले बेटे ने तो मेरी जान ही ले ली, खुदा भला करे इन गार्ड्स का। गार्ड, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? दाढ़ी वो भी जी अल्लाह को प्यारी हो गई। असली होती तो चेहरे पर होती, नकली थी पानी में बह गई। वैसे हुजूरे वाला, आप ये नकली गार्ड को तो जानते होंगे, कमाल साहब है। और वो साहब जो खाना खा के तार पे टहलने गए हुए हैं उन्हें मकसूद कहते हैं, और खादिम को शायद जानते हो, सफीर का लेवर। देखिए डैडी, इन्होंने कैसा बहरू भरा था। नामाकुल है ये तीनों, मैं कराची पहुँच कर इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। धोखेबाज, मैं तुम तीनों को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जाने दे उस्ताद, सुन लिया भाई खुदाई फौजदार, इसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल, बल्कि गटर में डाल। सजा की बात तो हो चुकी, अब जरा इनाम की बात भी हो जाए। मिस्टर कमाल, मकसूद और सफी साहिबान, आप लोगों के ताउन से जो स्मगल शुदा सोना बरामद हुआ है, अजरूए कानून उसमें आपका भी हिस्सा है। आप लोगों को मेरे साथ पिंडी चलना होगा। ठीक है, चलिए, किराया भी हम ही लोग दे देंगे। भागने के रास्ते मत ढूंढो, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। देख साहब, सजा की नौइयत तो बता दीजिए, ताकि उसी हिसाब से हम लोग बोरिया बिस्तरे का इंतजाम करें। जैसा चुन वैसी ही सजा। तुम लोगों की यही सजा। मसूद, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी बेटी की जान बचाई है। मैंने भी बचाई थी, इसलिए तुम अपनी दुल्हन ले जा सकते हो। और हम लोग? और तुम दोनों ने फ्रॉड किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या आप हमारी दुल्हन छीनना चाहते हैं? 50,000 हाथ के महल लिखवा लिया है, न जहेज देते हैं न दुल्हन देते हैं। हमारी दुल्हन बाहर करो, हमारी दुल्हन बाहर करो। रुको मत, सेठ साहब का फैसला बिल्कुल सही है। खुदा के लिए ऐसा दुनिया की नजर साहब, हम कुंवारे घर कैसे जाएंगे? हमारी नजर क्यों रोक रहे हैं? अच्छा रो रही, हम तुम्हें एक मामूली सी सजा देते हैं। तुम दोनों फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ और अपनी अपनी दुल्हनों को समझ ले जाओ। आइए वो शर्मा जी, फरमाओ जी। छोटे, इन मेरे कहाँ चले? रक्त स्वाहा।